नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का जो मुकाबला है वह बड़ा ही रोचक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ भाजपा की तरफ से राजेंद्र भांबू को मैदान में उतारा गया है, वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से ब्रजेंद्र ओला के सुपुत्र अमित ओला को कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारा गया है। इन दोनों के बीच में निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुड्डा और उनकी धर्मपत्नी भी मैदान में हैं। दोस्तों, जिस हिसाब का समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी हम बात करें तो इस चुनाव में लग रहा है कि इस बार झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पार्टी जो लगातार यहां पर चुनाव हारती आई है वह इस बार यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। दोस्तों, इसके क्या कारण हैं उनकी भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के ऊपर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। उनमें से झुंझुनू विधानसभा सीट भी आती है। भाजपा यहां पर राजेंद्र भांबू को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अमित ओला को यहां पर टिकट दी है। वैसे तो आपको बता दें कि झुंझुनू क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस इन पार्टियों का ही ज़्यादा महत्व रहा है, लेकिन इस बार का जो मुकाबला है वह बड़ा ही रोचक होने वाला है। यहाँ पर लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती आई है, लेकिन यह मुकाबला कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा। इसके पीछे का कारण है कि दोस्तों, राजेंद्र गुड्डा जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर मैदान में खड़े हैं, वह कांग्रेस पार्टी के वोट काटने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम समुदाय के ज़्यादा वोट मिलते हैं और राजेंद्र गुड्डा इस समय प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और वह मुस्लिम समुदाय को ही अपना टारगेट बना रखा है। इन्हीं के बीच में ही ज़्यादा उनसे मिल रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर मुस्लिम समुदाय राजेंद्र सिंह गुड्डा को अगर वोट डालता है तो दूसरी तरफ अमित ओला को इसका नुकसान हो सकता है। और वैसे भी आप सभी को पता है कि मुस्लिम समुदाय इस बार कांग्रेस से स्टार्टिंग से ही नाराज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि इस चुनाव में मुस्लिम समुदाय की तरफ से एमडी चौबदार की तरफ से टिकट मांगी गई थी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो इसका भी थोड़ा बहुत असर कहीं ना कहीं दोस्तों देखने को मिल सकता है। दूसरे हिसाब से भी हम देखें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है, इस वजह से जनता का रुख भी शायद भाजपा की तरफ हो सकता है। बाकी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जाट वोटर्स ज़्यादा हैं, इस वजह से भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों ने जाट उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। राजेंद्र सिंह गुड्डा जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वह राजपूत नेता हैं, इसका भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वह जो राजपूत वोटर्स हैं उनके भी वोट काटने में सफल हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि राजेंद्र गुड्डा अपनी वाइफ को भी मैदान में उतार रखा है। आप मान सकते हैं कि इस चुनावी मैदान में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, यह जो खेल चल रहा है इससे शायद आप समझ चुके होंगे कि राजेंद्र गुड्डा हैं वह इस मैदान में शायद चुनाव जीतने के लिए नहीं उतरे। वह भाजपा या कांग्रेस जो ये दो उम्मीदवार हैं, इन दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार के वोट काटने के लिए मैदान में उतरे हैं या किसी साजिश के तहत उतारे गए हैं। अब देखने यह है कि कौन से उम्मीदवार के वह वोट ज़्यादा काटने में सफल हो पाएंगे और किस उम्मीदवार को झुंझुनू विधानसभा सीट से सफलता हासिल हो पाएगी। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या इस मुकाबले में राजेंद्र गुड्डा जीत हासिल कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि झुंझुनू विधानसभा सीट के ऊपर उपचुनाव हुआ पहले, उस समय भी यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर मूल सिंह शेखावत ने यहाँ से चुनाव जीता था, और इस उपचुनाव में क्या निर्दलीय उम्मीदवार यहां से बाजी मार सकता है या नहीं, अपनी राय कमेंट में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।